हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी और बहुत ही खास रेमेडी लाई हूँ, जिसे मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने नेल्स को किस तरह से लंबा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप केवल 7 दिनों में अपने नेल्स को बहुत ही तेजी से लंबा कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेमेडी है ये। हमारे नेल्स ना बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से मेन कारण तो ये होता है कि हमारे अंदर विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी होती है, जिससे हमारे बाल भी टूटने लग जाते हैं और हमारे नेल्स वो भी नहीं बढ़ पाते। तो ये इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, वो इन्हीं चीजों से भरे हुए हैं, जैसे कि विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, एंटीबैक्टीरियल, इन सभी में मौजूद हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना भूलिएगा, जिससे कोई भी खास वीडियो आप मेरी मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसको बनाने के लिए चाहिए एक कोलगेट, दूसरा एलोवेरा जेल और तीसरा विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल है ये फ्रेंड्स। मैंने एक डार्क सर्कल की मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें सभी लोगों ने मुझसे सभी ने यही क्वेश्चन किया था कि विटामिन ए है या विटामिन ई। तो फ्रेंड्स, ये हरे रंग का जो कैप्सूल है, ये विटामिन ई है। फ्रेंड्स, ये सभी ट्रीटमेंट मैं आपको अपने नेल्स पर ट्राई करके दिखाऊंगी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे नेल्स, मैं आपको ये नेल्स ग्रो करने की रेमेडी बता रही हूँ और मेरे ही नेल्स बड़े नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लंबे नाखून बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने मेरी वीडियो देखी होंगी, उसमें मेरे नेल्स बिल्कुल भी बड़े नहीं है, सिर्फ इतने ही है जितने हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे घर में मेरी कजन सिस्टर ने इसको यूज किया, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा लॉन्ग नेल्स पसंद है। तो उन्होंने इसे यूज किया, उनके नेल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे, तो उन्होंने इसको 1 वीक तक यूज किया और उन्हें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, काफी अच्छे उनके नेल्स हो गए हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इसके अंदर क्या करना है, फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको अपने नेल्स को क्लीन करना है। तो वो किस तरह से करना है, आप कोलगेट ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए। कॉटन लेने के बाद इस पे थोड़ा सा कोलगेट ले लीजिए। कोलगेट लेने के बाद आप अपने नेल्स पर इसको इस तरह से लगाएं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से लगा लिया है। इस तरह से लगाने के बाद इनको थोड़ी देर इसी तरह छोड़ दीजिए, यानी कि 1 मिनट तक। उसके बाद जब ये सूख जाए तो एक ब्रश लेकर ब्रश को इस तरह से गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद अब आप अपने नेल्स पर इसको इस तरह से रगड़ लीजिए। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, आपके नेल्स बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे। क्लीन होने के बाद आपके नेल्स में जो डस्ट है वो भी साफ हो जाएगा, और जब मैं इस नुस्खे को यूज़ करूँगी तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम कर पाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके नेल्स लॉन्ग हैं, आप उनको वाइट और क्लीन करना चाहते हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये एक मैनीक्योर और पेडीक्योर की तरह काम करेगा। फ्रेंड्स, 1 मिनट तक मैंने अच्छे से ब्रश कर लिया है, अब मैं अपने हाथ को वॉश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपको करना क्या है, फ्रेंड्स लहसुन ले लीजिए। लहसुन लेने के बाद इसको आप अच्छे से छील लीजिए, इसको आप अच्छे से पील ऑफ कर लीजिए। तो ये अच्छे से छिल चुका है, अब आप इसको 2 हिस्सों में काट लीजिए। काटने के बाद ये आधा कटा हुआ लहसुन को आपको अपने नेल्स पर इस तरह से रगड़ना है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लहसुन अपने गुणों के कारण कितना मशहूर है, ये एंटीबैक्टीरियल के गुणों की वजह से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। लहसुन में कैल्शियम, जिंक और कई अन्य खनिज जैसे यौगिकों का संचार करता है। इसको अच्छे से रफ करने के बाद आप अपने नेल्स को 10 मिनट तक इसी तरह छोड़ दीजिए। 10 मिनट छोड़ने के बाद आपको करना क्या है, एक खाली बाउल में आधा चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, और एक विटामिन कैप्सूल ले लें और उसका तेल इसके अंदर डाल लें। अब हमें इसमें आधा चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करना है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जेल अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद आपको इसे लगाना कैसे है, आप इसको इस तरह से अपनी फिंगर पर लेने के बाद आप इसको अपने नेल्स पर अच्छे से लगा लीजिए। 2 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लीजिए अपने नेल्स की। इस तरह से करने के बाद आप या तो अपने हाथ को वॉश कर सकते हैं या फिर आप इसको इसी तरह लगे रहने दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको नाइट में करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि नाइट में ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम कर पाएगा। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, एक सुबह
और फिर रात को सोते समय। सिर्फ 7 डेज तक आप इसको रेगुलर यूज कर लीजिए, सिर्फ 7 डेज। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी नेल्स, वैसे तो आपको 2 बार के यूज करने के बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा, लेकिन 7 डेज आते आते आपके नेल्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करने लगेंगे और आपके नेल्स बहुत ज़्यादा क्लीन भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबाना भूलिएगा, जिससे कि कोई भी खास वीडियो आप मेरी मिस ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।